अरे भाई सोना चोरी की बात आज की है, सोना चोरी की बात एक वर्ष हो गया, एक वर्ष से 228 किलो सोना, पहले तो बताया गया था 320 किलो, बाद में फिर बताया गया 228 किलो, बाद में कहा गया कि नहीं नहीं 36 किलो, बाद में कहा गया कि 32 किलो, बाद में फिर कहा गया कि 27 किलो, लेकिन वो चाहे वो 320 किलो हो, चाहे 228 किलो हो, चाहे 32, 36, 27 किलो हो, चाहे 22 किलो हो, ये जितने भी फिगर अलग अलग समय में मीडिया के द्वारा छापे बताए गए, दिखाए गए, लोगों के द्वारा कहे गए, वो सोना है कहाँ? और अगर लगाया गया तो पीतल कैसे हो गया? आप काशी के रहने वाले पत्रकार बंधु हैं हमारे, काशी में आपके काशी विश्वनाथ हैं, उनके छत के ऊपर सोना मढ़ा हुआ है, कितने वर्षों से, 100 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है, धूप लगती है, ताप लगता है, पानी बरसता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सोना जैसा का तैसा है। और केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगाया गया और पट खुलते समय पीतल हो गया, कहाँ गया वो सोना? अगर 22 किलो सोना भी अभी वक्तव्य आया है वहाँ के अधिकारी का कि 22 किलो के वो सोने की बात, 22 किलो भी है तो कहाँ गया, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो और वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्या प्रस्ताव हुआ? क्योंकि जो कमेटी है वहाँ की, उस कमेटी के सभी मेंबरों ने लिख करके ये प्रश्न उठाया है कि ये सोना का मामला क्या है, हमको क्यों इसमें विश्वास में नहीं लिया, कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, किसी को विश्वास में, कमेटी के मेंबर्स को भी विश्वास में नहीं लिया गया है, और जांच की मांग की गई है। जो वहाँ के मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी, उन्होंने वक्तव्य दिया था पिछले वर्ष जब ये मामला उठाया गया था कि इसकी मजिस्ट्रेट कमिश्नर के द्वारा जांच की जाएगी, तो कमिश्नर की जांच का कोई मतलब नहीं था, वो तो जैसा सरकार कहती वैसा ही रिपोर्ट देते, ऐसा लोगों का मानना था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलो कमिश्नर ही सही जांच तो करे, कोई तो शुरू करे बात को, लेकिन फिर कमिश्नर की भी जांच नहीं की गई। आखिर क्या कारण है कि अखबार में छपवाया जाता है कि 320 किलो सोना लग रहा है, अखबार में फोटो छापे जाते हैं, चीज़ें की जाती हैं, और उसके बाद वहाँ पर सोना एक रत्ती नहीं दिखाई देता है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, और इस घोटाले को आप दबा रहे हो, और आप चाहते हो कि अब हम केदारनाथ ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दें ताकि ये मामला ही वहाँ से ख़त्म हो जाए, लोगों का वहाँ जाना ख़त्म हो जाए, तो ये सब चीज़ें हैं जिनके कारण ये बात उठानी पड़ती है। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं, और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं, और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें, और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें, अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं, और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़े करना केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे हमने पूर्व में भी जब ये विवाद उठा था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई लेना देना रहा है उस मामले में। गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का जो कार्य किया गया है वो मुंबई के एक दानी दाता है उनके द्वारा किया गया, और उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से ही कार्य संपादित कराया। मंदिर समिति ने ना ही सोना खरीदा और ना ही उन्होंने मंदिर समिति को सोना दिया है, उन्होंने स्वयं के माध्यम से, स्वयं के कारीगरों के माध्यम, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से कार्य संपादित कराया। और उनके बारे में, उन दानी दाता के बारे में यह भी कहना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने देश के तमाम मंदिरों में
स्वर्ण मंडित स्वर्ण के कार्य कराए हैं, उनमें काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ से लेकर के मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर के अयोध्या में राम मंदिर में, और इससे पूर्व उन्होंने 2005 में बद्रीनाथ में भी ये कार्य कराया था। और वो एक बहुत बड़े दानी है। और इस प्रकार के घटनाक्रमों से, इस प्रकार के आरोपों से जो हमारे दानी दाता हैं, जो हिंदू धर्म को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को इस प्रकार का दान देते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। तो इसलिए मेरा स्वामी स्वरूप ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध है कि उनके पास किसी प्रकार के साक्ष्य हैं, केवल प्रेस के सामने बयानबाजी न करें, सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच की मांग करें। और इस बारे में जो उन्होंने कहा कि 228 किलोग्राम सोना चोरी हुआ, मैं इस बारे में एक बात और भी आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा, और पूर्व में भी हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो दानी दाता द्वारा जो स्वर्ण लगाया गया है, उसके लगभग वो 23 किलोग्राम के करीब है। और क्योंकि उस समय जब ये स्वर्ण मंडित किया जा रहा था गर्भगृह को, उस समय उससे पूर्व वहाँ पर गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी, और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम था। तो मीडिया के कुछ लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि चांदी की प्लेटें 230 किलोग्राम की हैं, तो स्वाभाविक रूप से सोने की प्लेटों का वजन भी 230 किलोग्राम होगा। तो इस बात को प्रचारित हुई, लेकिन सोने की प्लेट और चांदी की प्लेट में काफी अंतर होता है। जो चांदी की प्लेट होती है वो पूरी तरीके से चांदी से ही निर्मित प्लेटें होती हैं, जबकि जो सोने की प्लेटें होती हैं, सोने की प्लेटें कॉपर की प्लेट पे उन पर वर्क चढ़ाया जाता है, सोने का लेयर चढ़ाई जाती है उन पर, और वो उस तरीके से सोने को मतलब शुद्ध रूप से केवल सोने की प्लेट नहीं होती है, वो कॉपर पे सपोर्टिंग वो रहता है, और उस कॉपर के प्लेट की डिजाइन बनते हैं, उन डिजाइनों पर सोने की लेयर चढ़ाई जाती है। तो जो केदारनाथ धाम में जो स्वर्ण लगाया गया है वो 23 किलोग्राम करीब सोना है उसमें, और 1000 किलोग्राम करीब तांबे की प्लेटें हैं। और ये तकनीकी पूरे देश में जितने भी मंदिरों में स्वर्ण को लेकर के जो भी कार्य हुए, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे गोल्डन टेंपल हो, सभी जगह इसी तकनीक के आधार पर स्वर्ण मंडित कार्य कराए जाते हैं। तो इसलिए मेरा फिर एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और वो साधु संत के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हैं, और संत होने के नाते उनको इस प्रकार के दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए, और संत के रूप में उनको सद्भाव का संदेश देना चाहिए, समाज में अच्छे संदेश देना चाहिए, बजाय कि इस प्रकार के हिंदू धर्म के प्रति, जैसे पूर्व में भी उनके कई बार बयान आते रहे हैं, राम मंदिर के समय में भी उन्होंने विरोधाभासी कई तरीके के बयान दिए थे, तो इस प्रकार के उनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और कांग्रेस के एजेंडे के अनुरूप नहीं चलना चाहिए।